हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट बायोडायवर्सिटी को स्टडी करते हैं। देखते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायोडायवर्सिटी टर्म दो टर्म से मिलके बना है, एक तो है बायोज एंड बायोज मीन्स होता है लाइफ, और दूसरा टर्म है डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मीनिंग होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब वेरियस टाइप की फॉर्म्स, या फिर आप इसको वेरिएबिलिटी भी बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जिनमें लाइफ है और जिनमें लाइफ होती है उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं या उनमें जो वेरिएशन या जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये बायोडायवर्सिटी कई लेवल्स पे देखने को मिलती है। जैसे अगर हम ऑर्गेनिज्म को, किसी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को देखें, तो उनमें जेनेटिक लेवल पर भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक लेवल पर वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे कोई दो ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक सेम स्पीसीज के हैं, फिर भी हमारा जो जीन पूल है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो जीन्स हैं उनमें, या जो हमारे एलील्स हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसी को जेनेटिक वेरिएबिलिटी बोला गया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो सेकेंड जो वेरिएबिलिटी हमको दिखाई देती है वो होती है स्पेसिफिक लेवल पर वेरिएबिलिटी। यानी कि जो स्पीसीज हैं, क्या है स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। आपको पता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। जैसे आपके सिलेबस में बताया गया है आंट्स की 20,000 स्पीसीज है। किसकी? आंट्स की। यानी कि स्पीसीज के लेवल पर वेरिएबिलिटी बहुत सारी स्पीसीज किसी ऑर्गेनिज्म की मिलती हैं, इसी को स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, थर्ड क्या होता है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर नहीं मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म के मिलने का प्लेस अलग अलग होता है, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। यानी कि उनका जो इकोसिस्टम होता है, क्या होता है इकोसिस्टम होता है, वो भी कैसा होता है, वेरिएबल होता है। जैसे सिंपल सी हम एक बात करें आपसे, कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, कौन सा इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उस पे मिलने वाले ऑर्गेनिज्म अलग हैं। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म उसके कंपैरिजन में अलग होते हैं। ऐसे हर एक इकोसिस्टम में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म अलग टाइप के होते हैं। यानी कि जब इकोसिस्टम के लेवल पर वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यही अगर वेरिएबिलिटी हमें स्पीसीज के लेवल पर देखने को मिलती है तो हम इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। और अगर हमें वेरिएबिलिटी जेनेटिक लेवल पर देखने को मिलती है तो हम इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक डायवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि इस पार्ट में हम तीन टाइप की बायोडायवर्सिटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जेनेटिक डायवर्सिटी, सेकेंड स्पीसीज डायवर्सिटी, और थर्ड इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। थोड़ा सा अब हम बायोडायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट है, जो टर्म बायोडायवर्सिटी है, टर्म बायोडायवर्सिटी वाज गिवन बाई वॉल्टर जी रोसेन। एक साइंटिस्ट है वॉल्टर जी रोसेन, जिन्होंने टर्म बायोडायवर्सिटी दिया था। और दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें इसके साथ में ही, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन ने ये जो टर्म बायोडायवर्सिटी है इसका काफी यूज किया, और जिसकी वजह से ये टर्म काफी फेमस हो गया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि टर्म बायोडायवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, सो इट दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। यानी कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बहुत फेमस किया था। कुछ अलग अलग डेफिनेशंस यहां पर बायोडायवर्सिटी की दी है, जैसा उसमें भी जो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन हमें लगती है वो हमें ये लगती है। इसमें क्या लिखा है, इट इज दी वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यानी कि लाइफ की फॉर्म्स में जो वेराइटी मिलती है ये वो बायोडायवर्सिटी है। इसे चलो हम स्पीसीज बायोडायवर्सिटी के बेस पे कंसीडर कर सकते हैं, कि लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, जीन पूल में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि ये हो गई जेनेटिक डायवर्सिटी।
और हैबिटेट जहां पर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वहां पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसे हम बोल सकते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इट इज दी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इट इज दी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जीन पूल एंड हैबिटेट फाउंड इन एन एरिया। क्लियर है ना? यानी कि लाइफ फॉर्म्स में मिलने वाली वेरिएबिलिटी, जीन पूल में मिलने वाली वेरिएबिलिटी और हैबिटेट में मिलने वाली वेरिएबिलिटी ही क्या है, बायोडायवर्सिटी है। कुछ अलग डेफिनेशंस को देख लेते हैं। बायोडायवर्सिटी रिफर्स टू दी वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाली वैरायटी और जो वेरिएबिलिटी मिलती है वही बायोडायवर्सिटी है। एक पॉइंट और है, द स्टेगरिंग वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिफर्ड एज बायोडायवर्सिटी, यानी कि जो वेरिएशन लाइफ फॉर्म्स में मिलते हैं, जो वैरायटीज लाइफ फॉर्म्स में देखने को मिलती हैं, उसे हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे एग्जैक्ट और सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लगती है वो ये लगती है जहां कहा गया है इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जीन पूल एंड हैबिटेट फाउंड इन एन एरिया। क्लियर है ना? अल्टीमेटली आप स्टार्टिंग का जो क्लू है बायोडायवर्सिटी का उसको समझ गए होंगे। कुछ बायोडायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को आगे एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने कहा है कि 20,000 स्पीसीज, 20,000 स्पीसीज किसकी मिलती है, आंट्स की। आंट्स की 20,000 स्पीसीज मिलती है। सोचिए कितना वेरिएशन है आंट्स में। हमें तो दो चार टाइप की आंट्स के बारे में ही जानकारी है। ऐसे ही एक ये प्लांट्स होते हैं जिस प्लांट कैटेगरी को हम ऑर्किड बोलते हैं। ऑर्किड्स क्या होते हैं? ऑर्किड्स एक्चुअल में एपीफाइट होते हैं। जैसे ये कोई ट्री ट्रंक दिखाया गया है, उस ट्री ट्रंक के ऊपर एक कुछ प्लांट ग्रो कर गए हैं। यानी कि जो ऑर्किड्स होते हैं क्या होते हैं, ऑर्किड्स इनका नेचर एपीफाइट होता है। क्या होता है? एपीफाइटिक नेचर होता है इनका। मतलब एपी मींस अपॉन, फाइटॉन मतलब प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है उनको ऑर्किड्स बोलते हैं। और ऑर्किड्स की भी 20,000 स्पीसीज नेचर में मिलती है। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हम देखें तो 28,000 स्पीसीज फिश की मिलती हैं और 3 लाख स्पीसीज किसकी मिलती हैं, बीटल्स की मिलती हैं। हमने बीटल्स को समझाने के लिए ये इमेज यहां पर इंपोर्ट कराई है। ये एक पार्टिकुलर बीटल है जिसका नाम लेडी बर्ड होता है। क्या होता है? लेडी बर्ड बीटल। तो मेनली बीटल्स प्लांट से, प्लांट सैप वगैरह लेते हैं या फिर प्लांट पे ही यूजुअली प्लांट से कूट लिया करते हैं, इनको बीटल्स बोलते हैं। और बीटल्स की कितनी स्पीसीज मिलती है नेचर में, 3 लाख स्पीसीज। यानी कि आप कुछ चार सिलेक्टेड एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं जहां से हमें यह पता चलता है कि कितनी कितनी स्पीसीज हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की। चलिए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में समझा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पता चली हमें, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में हमने देखा, और तीसरा हमने देखा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, यानी कि जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन होता है, आप सिंपली कह सकते हो वेरिएशन और डाइवर्सिटी, वेरिएशन और डाइवर्सिटी विच इज फाउंड एट दी जेनेटिक लेवल, एट दी जेनेटिक लेवल इन द ऑर्गेनिज्म्स ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म्स हैं, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं, बट उनमें जो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है या जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर आपकी बुक में गिवन है कि अगर हम इंडिया की ही बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया में 50,000 वराइटीज किसकी मिलती हैं, 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन मिलते हैं राइस के। क्या मिलते हैं? डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिफरेंट स्ट्रेन्स किसके, राइस के। यानी कि राइस वही सेम है, ओराइजा सेटाइवा, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं जो कि जेनेटिक लेवल पर कैसी हैं, डिफरेंट हैं, जिनका नेचर डिफरेंट है। ऐसे ही अगर इंडिया की और हम बात कर लें हमारी कंट्री में, तो 1,000 वराइटीज हमें किसकी मिलती हैं, 1,000 वराइटीज बेटा हमको मिलती हैं मैंगो की। क्लियर है ना? यानी कि मैंगो में भी बहुत सारा वेरिएशन, स्पीसीज वही है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन उसी के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये शो करता है कि कितनी ज्यादा जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन हमको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, आप सबने एक प्लांट का हिंदी में नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सर्पगंधा। ये जो सर्पगंधा होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज राउवुल्फिया, राउवुल्फिया वोमिटोरिया।
इसकी एक और स्पीसीज आती है जिसे हम बोलते हैं राउवुल्फिया सर्पेंटाइना, बट आपके सिलेबस में जो मेंशन है उसका नाम है राउवुल्फिया वोमिटोरिया। अगर देखा जाए तो ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज यानी कि जितने भी रीजन में हिमालय स्प्रेड है उन सारे रीजन में, उन सारे एरियाज में हिमालय पर ये मिलती है, लेकिन डिफरेंस क्या देखा जाता है कि इसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और अलग अलग लेवल पर, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलता है, स्पीसीज सेम है लेकिन इस सेम स्पीसीज में क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। और हिमालय के अलग अलग एरिया में जहां पर ये मिलती हैं तो इनमें अलग अलग कंसंट्रेशन किसकी मिलती है, अलग अलग कंसंट्रेशन मिलती है, एक एल्कलॉइड इससे मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेसरपीन। क्या बोलते हैं? रेसरपीन। ये रेसरपीन क्या होता है? रेसरपीन एक एल्कलॉइड है जो कि राउवुल्फिया वोमिटोरिया की जो रूट होती है ना, उस रूट की बार्क से मिला करता है। किससे मिलता है? बार्क से। और इस रेसरपीन का यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में। किसमें यूज होता है? हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। तो सिंपल सी चीज क्या है, अलग अलग जगह पर मिलने मिलने वाली जो राउवुल्फिया वोमिटोरिया है उसमें रेसरपीन जो एल्कलॉइड मिलता है इसकी रूट से, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। तो इतना पार्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। नॉर्मली अभी हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी को डिस्कस किया था, जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि 20,000 स्पीसीज किसकी मिल रही है हमको, 20,000 स्पीसीज हमें मिल रही है आंट्स की, 20,000 स्पीसीज ही किसकी मिल रही है हमें, ऑर्किड्स की मिल रही है। इसके बाद 3 लाख स्पीसीज हमको किसकी मिल रही है, बीटल्स की मिल रही है। इसके बाद नॉर्मली एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमने लिया था इसमें कि एक मिनट, 28,000 स्पीसीज हमें किसकी मिल रही है, फिश की मिल रही है। ये तो स्पीसीज डायवर्सिटी हो गई। यहाँ पे मैंने इंडिया के मैप को पुट किया है। तो सिंपल सी चीज, स्पीसीज डायवर्सिटी क्या है, द वेरिएशन विच इज फॉर्म्ड एट स्पीसीज स्पेसिफिक लेवल, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डायवर्सिटी। यानी कि कितनी स्पीसीज किसी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है, बहुत सारी स्पीसीज है, उसी को हम स्पीसीज डायवर्सिटी बोलेंगे। जैसे ये इंडिया का जो ये एरिया है ना, ये ईस्टर्न साइड में आता है, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये जो इधर का एरिया है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस एरिया को हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, और ये जो एरिया है इसे हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। बुक में ये बताया गया है स्पेशली एनसीईआरटी में कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की वो वेस्टर्न घाट पर कम है, जबकि जो ईस्टर्न घाट पर कम है, जबकि जो वेस्टर्न घाट होते हैं यहां पर जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस है, इनकी डायवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियंस की डायवर्सिटी ज्यादा और ईस्टर्न घाट पर एम्फीबियंस की डायवर्सिटी कम देखने को मिलती है, बट ये स्पीसीज के लेवल पे की गई है। बात समझ में आया? ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल दैट एम्फीबियंस बायोडायवर्सिटी इज हाई एट वेस्टर्न घाट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पर हम बात करते हैं, एक पॉइंट अभी और हमें डिस्कस करना था स्पीसीज डायवर्सिटी में। स्पीसीज डायवर्सिटी में दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक आता है स्पीसीज रिचनेस और एक आता है स्पीसीज इवेननेस। पहला कॉन्सेप्ट है स्पीसीज रिचनेस, रिचनेस, और दूसरा है स्पीसीज इवेननेस, स्पीसीज इवेन नेस। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो बहुत सिंप्लीफाइड में अगर आप कहें स्पीसीज रिचनेस क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एनी एरिया। तो सिंपल सी चीज है कि किसी एरिया में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, वो स्पीसीज रिचनेस है। क्लियर है ना? और आप इस तरीके से कह सकते हो मोर स्पीसीज ग्रेटर रिचनेस। यानी कि किसी इकोसिस्टम में या किसी हैबिटेट में जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है उतनी ही हम उसको, एक मिनट, उतना ही हम उसको क्या मानेंगे, स्पीसीज रिचनेस उसकी ज्यादा मानेंगे। स्पीसीज रिचनेस है क्या? जैसे हम आपसे कह रहे हैं ये कोई एक पार्टिकुलर प्लेस है, यहां पर ए बी सी डी ई एफ 6 स्पीसीज मिलती हैं अलग अलग, तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी रिच मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्पीसीज प्रेजेंट हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज रिचनेस। अब स्पीसीज इवेननेस क्या है,
स्पीसीज इवननेस का मतलब है रिलेटिव एवंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव एवंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। क्लियर है ना? अब समझने की कोशिश करिए, जैसे हमने आपसे हम दो अलग अलग हैबिटेट को बना रहे हैं यहां पर। इस हैबिटेट में ए स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म हैं और बी स्पीसीज के भी दो ऑर्गेनिज्म हैं, जबकि हम बी वाला हैबिटेट यहां बना रहे हैं जिसमें ए स्पीसीज के चार ऑर्गेनिज्म हैं और बी स्पीसीज का एक ही ऑर्गेनिज्म है। तो स्पीसीज इवेननेस इसकी स्ट्रांग है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर दोनों स्पीसीज इवनली है प्रेजेंट, दोनों का नंबर इक्वल है। तो इसकी इवेननेस हाई है और इसकी इवेननेस लो है, क्योंकि यहां पर एक स्पीसीज तो एवंडेंट है बट दूसरी का नंबर कंपेरेटिवली बहुत कम है। समझ गए ना? यानी कि सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीसीज का नंबर, जैसे मल्टीपल सिक्स स्पीसीज हैं और उन सारे और सारी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का नंबर लगभग लगभग बराबर है, तो उसको हम स्पीसीज इवननेस में कंसीडर करेंगे। और स्पीसीज का इवननेस होना भी किसी इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को या कहीं किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ को शो करता है स्पीसीज के लेवल। देखिए यहां पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझते हैं, तो हमने सिंपली ये कहा था कि इकोसिस्टम लेवल पर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट पे डिपेंड करता है। जैसे हम समझ लेते हैं, आपने जिनको बहुत कॉमनली सुना है, जैसे हम एक डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसमें अलग स्पीसीज मिलती हैं। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो यहां पर अलग लेवल की डाइवर्सिटी मिलेगी। क्लियर है ना? अगर हम किसी मैंग्रोव की बात करें तो यहां पर अलग डाइवर्सिटी मिलेगी। कोरल रीप्स की बात करें तो यहां पर अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। और कोई भी अलग एरिया आप ले सकते हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले सकते हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले सकते हो, ठीक है ना? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आप किसी भी इकोसिस्टम को चूज कर लो, हर इकोसिस्टम में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं। डिजर्ट इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो ऑर्गेनिज्म आपको मैंग्रोव्स में नहीं मिलेंगे। जो ऑर्गेनिज्म आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलने वाले हैं नॉर्मली, वो आपको कोरल रीफ्स पे नहीं मिलेंगे। क्लियर है ना? कोरल रीफ्स आप जानते होंगे, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपडेट कर देंगे। तो सिंपली इकोसिस्टम के लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।